ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 7.3 के ही सब टॉपिक को, डेट आर इंसुलेटर, कंडक्टर्स एंड सेमी कंडक्टर्स। सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने ये बात ऑब्जर्व की थी कि हम जब बहुत से एटम्स को एक दूसरे के करीब लेके आते हैं तो ड्यू टू इंटरेक्शन फोर्सेस हर जो एक एनर्जी लेवल होता है, लाइक के एनर्जी लेवल था, वो एन नंबर ऑफ सब लेवल्स में डिवाइड होना शुरू हो जाता है। तो उनकी डिवीजन की वजह से क्या होता है हमारे पास कि बहुत से लेवल्स के अंदर जो है वो सिंपली आप कह लें कि डिवाइड होना शुरू हो जाता है, और उस डिवीजन की वजह से हमारे पास जो है वो क्या बन जाते हैं, पूरा एक बैंड बन जाता है। ठीक है, के लेवल के लिए जो है वो हमारे पास एक पूरा बहुत ज़्यादा बड़ा बैंड बन जाएगा। सेम ऐसे ही एल लेवल के लिए भी एक बहुत ज़्यादा बैंड बन जाएगा। ठीक है, तो अब दो बैंड्स को अगर हम डिस्कस करें लाइक दिस, कि ये था हमारे पास एक लेवल, वो स्प्लिट हो गया किसके अंदर, एन नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स के अंदर जो है वो क्या हो जाता है, वो स्प्लिट हो जाता है। एक होगा तो वो दो में स्प्लिट हो जाएगा, अगर एन नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स होंगे हमारे पास तो वो एन नंबर ऑफ सब एनर्जी लेवल्स के अंदर जो है वो क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे पास बैंड्स की फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो ऊपर वाला जो हमारे पास बैंड होता है उसको हम कंडक्शन बैंड कह देते हैं, और जो लोअर बैंड होता है उसको हम सिंपली वैलेंस बैंड का जो है वो नाम दे देते हैं। तो ये जो है वो फिनोमेना हमारे पास सिंपली इस्तेमाल हो रहा होता है। अब अगर हम बात करें सिंपली इंसुलेटर्स की, कंडक्टर्स की और सेमी कंडक्टर्स की डिफरेंटली, तो क्या होता है कि इंसुलेटर्स में जो अपर बैंड है जिसको हम कंडक्शन बैंड कहते हैं वो यूँ है, और ये हमारा वैलेंस बैंड है जो कि लोअर बैंड है वो यहाँ होता है, और इनके इन बिटवीन जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, सिंपली फॉरबिडन एनर्जी गैप का जो है वो हम नाम दे देते हैं। ठीक हो गया, तो इसको जो है वो हमने किसका नाम दे दिया, फॉरबिडन एनर्जी गैप का जो है वो हम नाम दे देते हैं। अब सिंपली क्या होता है कि इंसुलेटर्स के लिए ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है ये बहुत ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है कि वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पहुँचने के लिए एक ह्यूज अमाउंट की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि इंसुलेटर्स की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स अपने एटम्स के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली अटैच हुए होते हैं, और आप इसको थोड़ी सी एनर्जी अगर दे दें तो ये इतनी इजीली जो है वो अपने इस शेल से बाहर नहीं निकलते हैं। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा एनर्जी भी इसको प्रोवाइड कर लें तो आपके इलेक्ट्रॉन्स को फिर भी जो है वो इस बैंड को क्रॉस करने जितनी एनर्जी नहीं मिल सकती, यानी इस बैंड को क्रॉस करने के लिए आपके इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट का टेम्परेचर चाहिए होता है, समथिंग अबाउट 3000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। तो आम कंडीशन में ऐसा टेम्परेचर देना पॉसिबल नहीं होता। तो ऐसे मटीरियल जिनके अंदर जो वो कंडक्शन नहीं होती ड्यू टू अ लार्ज फॉरबिडन एनर्जी गैप, उनको हम इंसुलेटर्स का जो है वो नाम दे देते हैं। अब अगर हम कंडक्टर्स की बात करें तो कंडक्टर्स में जो हमारा कंडक्शन बैंड है और हमारा जो वैलेंस बैंड होता है वो आपस में ओवरलैप हुए होते हैं, कंडक्शन बैंड और ये वैलेंस बैंड, ये दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप हुए हैं। इट मींस कि इलेक्ट्रॉन्स को किसी किस्म की एनर्जी जो है वो नहीं चाहिए होगी, टेम्परेचर नहीं ज़्यादा चाहिए होगा इन ऑर्डर टू मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, वो ईजिली यहाँ से यहाँ जो है वो जा सकते हैं। बिकॉज हमने पढ़ा था कि कंडक्टर्स जो हैं जिनको आप सिंपली मेटल्स जो हैं वो यूजली कंडक्टर्स होती हैं, तो कंडक्टर्स के बारे में हमने कहा था ये सी ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं हर टाइम, इनको आप थोड़ा सा भी पोटेंशियल दें तो क्या होता है कि आपके इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से निकल के फौरी तौर पे कंडक्शन बैंड की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं। सो ये था हमारा कंडक्टर। अब नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट सेमी कंडक्टर्स। सेमी कंडक्टर्स की स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो लाई कर रही होती हैं इन बिटवीन द मेटल्स एंड इंसुलेटर्स, या आपके लिए कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के इन बिटवीन इनकी प्रॉपर्टीज़ लाई करती हैं। कुछ ऐसा होता है कि ये अगर कंडक्शन बैंड है और ये हमारा वैलेंस बैंड है, तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है हमारे सेमीकंडक्टर्स के अंदर। और सेमीकंडक्टर्स यूजुअली आप लेते हैं जर्मेनियम ले लें या फिर सिलिकॉन ले सकते हैं।
अब अगर आपने जो है वो आपका टेम्परेचर इस टाइम ज़ीरो डिग्री ज़ीरो केल्विन है, तो ज़ीरो केल्विन का मतलब है कि आपके इलेक्ट्रॉन्स जो कि वैलेंस बैंड में मौजूद हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंतहाई कम है। अगर उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा कम है तो इसका मतलब क्या है कि वो इस डिस्टेंस को ट्रैवल नहीं कर सकते। और ज़ीरो केल्विन के ऊपर जो आपके सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो एज एन इंसुलेटर बिहेव करना शुरू कर देते हैं। बट एज सून एज पॉसिबल आप टेम्परेचर को जो है वो रूम टेम्परेचर पे लाना शुरू कर दें तो क्या होता है कि यहाँ मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, और इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होने की वजह से ये इतना डिस्टेंस इजीली कवर कर लेते हैं और इनमें काफ़ी हद तक जो कंडक्शन है वो पॉसिबल होती है। बट इनकी कंडक्शन जो है वो हमारे कंडक्टर से कुछ हद तक जो है वो क्या होती है, कम होती है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा टॉपिक इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स।